मोमबत्ती का जलना एक परिवर्तन है। अब वो कैसा परिवर्तन है, देखिए मोमबत्ती जली तो जो इसका धागा था, जो ये धागा इसका जल रहा है, ध्यान से देखिएगा, उस धागे का परिवर्तन क्या हुआ, धागे का जलना। अगर आपसे कोई पूछे धागे का जलना कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमित किया जा सकता है या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, तो धागे का धागा एक बार जल गया तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, उस धागे का आपको क्या मिलेगा, उससे आपको क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी आपको, ठीक है, आपको रोशनी मिलेगी, और फिर उसी की आपको क्या हो गई, जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनेगी उसकी गैसेस, और आपको उसकी राख मिलेगी। तो अब इन चीजों से मिला करके आप दोबारा से क्या है, धागा नहीं बना सकते। तो ये परिवर्तन क्या हुआ, धागे का जलना, जो मोमबत्ती का जलना है, ठीक है, मोमबत्ती का जलना एक प्रक्रिया है, एक परिवर्तन हो रहा है, वो भी आपकी स्थिति चेंज हो रही है, ये मोमबत्ती पहले पूरी की पूरी थी, अब ये धीरे धीरे घट रही है। तो ये धागे का जो जलना था, जो धागा था, धागा का जलना का परिवर्तन था, उसको हम क्या है, उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है मोम की, मोम को क्या होता है, मोम जब पिघलता रहता है धीरे धीरे, वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, आपने देखा होगा मोमबत्ती के आसपास में आपका मोम जो है वो पिघल करके इकट्ठा हो जाता है। तो इस मोम को अगर आप दोबारा से किसी कंटेनर में लेंगे, किसी एक बर्तन में लेकर के गर्म करेंगे आप नीचे से, तो क्या होगा, आपको गर्म करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वो मोम दोबारा से पिघल जाएगा, जो ये सोलिड था आपका मोम, जो नीचे जमा था, सोलिड बना था, वो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद उसको आप दोबारा से क्या इसी शेप में बना पा रहे हैं, मोमबत्ती की शेप, जैसा कि पिघलने के बाद आपके पास एक लिक्विड बनेगा, वो लिक्विड बन जाएगा। अब उसको पिघलने के बाद क्या आप दोबारा से मोमबत्ती की जो शेप होती है मोम की, इस तरीके की, इसमें लेके आ पा रही है, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, मोम का पिघलना जो था वो कैसा परिवर्तन हुआ, उत्क्रमित हम उसको कर सकते हैं। तो अब मोमबत्ती से आप समझे कि मोमबत्ती में एक साथ ही दो परिवर्तन होते हैं, धागे का जलने को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, जबकि क्या है कि जो आपका मोम है उसका पिघलना उसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल हो रहा है हमारे पास में कि माचिस की तीली आपको देखना है, माचिस की तीली हमने जलाई, माचिस की तीली जलाने के बाद हुआ क्या, जो उसमें हमें क्या मिला, उसमें हमें राख मिली और जो थी उष्मा निकल गई, जो हमारे वो था हमारे मोमबत्ती की तीली, जो तीली थी माचिस की, वो क्या हुई, जल गई। तो उसको हम दोबारा से माचिस की तीली बना सकते हैं, अगर नहीं तो वो परिवर्तन क्या है, उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें नमक पानी में घोलने के बाद, तो नमक पानी में घोल लिया हमने तो वो एक परिवर्तन हो गया, क्या हम उसको दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, क्या उसको उत्क्रमित कर सकते हैं। देखिए अगर हमने पानी एक बार, आप नॉर्मली आपने ये गिलास लिया, गिलास में आपने पानी लिया, पानी के अंदर क्या किया आपने, नमक डाल दिया। अब वो नमक जब इसके अंदर पूरी तरह से अब जो हो गया घुल गया, अब उसको घुलने के बाद क्या होगा आपका, आपको एक ऐसा मिश्रण मिलेगा जो कैसा होगा, खारा होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप सोचेंगे सीधे सीधे तौर पे, आप इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको गर्म करेंगे पानी को आपने क्या किया, आपने इसको हीट दिया, गर्म किया। अब गर्म करने पर क्या हुआ, पानी जो है वो क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ उसका, वो क्या हुआ, वो ऊपर उठा, वो ऊपर उड़ गया। अब ऊपर उड़ने के बाद अगर आप चाहो तो ऊपर बर्फ का किसी भी कंटेनर में बर्फ रख करके इसका आप क्या कर सकते हो, दोबारा से इसको आप पानी के वेपर, इसके पानी के आप जो कण है वो बना सकते हो। हुआ क्या इसमें, पानी जब पानी का वाष्पीकरण हुआ और हमने बर्फ की सहायता से पानी को वापस ठंडा किया, तो इस पानी को, पानी की जो बूंदे हैं उसको आप क्या कीजिए, आप एक और यहाँ पे कंटेनर रखिए, आप बर्तन रखिए, उसके अंदर आप क्या कीजिए, उनको आने दीजिए, उसके अंदर आप उसको स्टोर कर लीजिए। अब देखिए आपने पानी क्या हुआ, आपके पास में स्टोर हो गया अलग से, और इसके अंदर जब पूरा जल वाष्प बन जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ नमक। तो आपने क्या किया, नमक घोला था हमने पानी में, और अब आपने क्या किया, दोबारा से आपके पास पानी आ गया अलग से, और आपके पास इसमें क्या रह गया, सिर्फ नमक। तो इसका मतलब कि आपने नमक को वापस पानी से अलग कर दिया, पानी को नमक में घोला, फिर पानी को नमक से अलग किया। ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाएगा, जिसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो आपने इस पाठ अध्ययन में सीखा कि कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं और जिनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। आपके लिए ये एक्सरसाइज है इस पाठ की सबसे अच्छी, कि आप अपने चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं कम से कम
ऐसे 10-10 परिवर्तनों के एक लिस्ट बनाइए, जिसको हम लिखिए एक तो साइड में उत्क्रमित कर सकते हैं, उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो परिवर्तनों की लिस्ट बनाइए और अपने टीचर्स को दिखाइए, और उसके बाद आपको अच्छे से इन चीजों के बारे में समझ में आएगा। अगर कोई गलतियां होंगी तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये उत्क्रमित परिवर्तन है ये नहीं है। हम अगर आपकी कोई गलती होगी तो उसको सुधार करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे जरूर पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।